वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर बेल एकेडमी की इंग्लिश। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कंटिन्यू करूंगी और हमारा जो सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। सो लेट्स फर्स्ट हम इसके डेफिनेशन करेंगे। अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन की बहुत सिंपल डेफिनेशन ये है कि वो वाला लफ्ज जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करें उसे प्रोनाउन कहते हैं। सो दिस इज वेरी क्लियर। अगर मैं कहूँ अली इज अ गुड बॉय तो अली को रिप्लेस करने के लिए मैं ही यूज करूंगी। अगर मैं सारा की बात करूँ, सारा इज माई सिस्टर, तो सारा की जगह मैं शी रिप्लेस करूंगी। इसी तरह कोई नॉन लिविंग थिंग होगा उसके लिए मैं इट करूंगी। अपने आप के लिए आई यूज आई वर्ड, और जो ज्यादा होंगे और अपने लिए तो वी का वर्ड, और यू जो है वो तुम्हारा या आपका जिसे हम कहते हैं दूसरे बंदे को, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को जो है बात करते हैं। यू में एक बात है कि यू इज यूज बोथ फॉर सिंगुलर एंड फॉर प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक किसी शख्स से बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग टू अली, तो मैं अली कहूंगी यू, What are you doing? Or you must come here and listen to me. And you must not do this. वगैरह वगैरह मैं you कहूँगी। लेकिन अगर मैं ज़्यादा लोगों से बात करूँ, for example, I'm talking to my whole class, जो group of students हैं ज़्यादा हैं, उनको भी मैं you कहूँगी कि you have a test tomorrow and you should study for it and वगैरह वगैरह। So you is used both for singular and for plural. They, of course, वो जो plural के लिए use होता है, जो third person होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ फर्स्ट पर्सन क्या होता है? वो जो बंदा खुद पहले बात करता है, वो जो किसी कन्वर्जेशन में पहला पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, वो आई और वी होते हैं। क्योंकि किसी कन्वर्सेशन में जो बंदा बात कर रहा होगा वो खुद को आई कहेगा, या अगर ज्यादा लोग होंगे तो वो खुद को वी कहेंगे। और सेकेंड पर्सन वो जिससे बात की जाए, जो कन्वर्सेशन में दूसरा बंदा हो, जिसे हम यू कह के मुखातिब करते हैं। सो यू इज द सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही हो, बेशक वो प्रेजेंट हो या ना हो, बट जिसके बारे में डिस्कशन हो रही होती है, तो यहाँ पर ही, शी, इट और दे आर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो यहाँ पर मैं आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन बता दी। इसके एग्जांपल्स में ये सारे हैं जो मैंने डिस्कस किए, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, और भी हैं, और भी प्रोनाउंस हैं। सिर्फ ये एग्जांपल्स नहीं होती है, लेकिन जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ ये वर्ड्स आते हैं। और भी हैं जो हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में करते हैं। Now, what about types of pronoun? Following are given some important types of pronoun. ये सारे नहीं हैं, और भी types हैं, बहुत हैं pronoun के, लेकिन just जो बहुत important है वो मैं आपको करवाती हूँ। Subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, indefinite pronoun, demonstrative pronoun and interrogative pronoun. Subject pronoun पहले हम कहते हैं, और ये subject pronoun को हम nominative case भी कहते हैं। The pronoun which is used in place of subject is called subject pronoun. इसमें हमें subject pronoun समझने के लिए हमें ये समझना है कि what is a subject. किसी भी sentence में जो doer of an action होता है, जो काम करने वाला होता है, वो subject कहलाता है। For example, इस example में देखिए, he listened to me. तो यहाँ पर एक काम हो रहा है, वो है listening. अब जो बंदा listening कर रहा है वो subject है, he listened to me, so he is the subject. दूसरे जुमले में she enjoyed the music, तो she वो music को enjoy किया जा रहा है, वो कौन कर रही है? वो she है, so she is the subject. अब ये अगर आप देखें, he, she या they worked hard, we are coming or you went, ये सारा subject की place है। subject हमेशा शुरू में ही लगता है जुमले में, तो शुरू में जो pronoun simple आप कह सकते हैं कि वो pronoun जो sentences के start में लगते हैं वो subject pronoun कहते हैं। और subject pronoun क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि वो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। दिस इज द प्लेस फॉर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, और स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस लिखेंगे। ये वही है जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे के जुमले। ही लिसन टू मी, शी एंजॉयड द म्यूजिक, दे वर्कड हार्ड, वी आर कमिंग, यू वेंट। अब यहां पर आप कोई और प्रोनाउंस नहीं लगा सकते हो, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस या पोजेसिव प्रोनाउंस जो हम आगे पढ़ेंगे, वो इन जगहों पे नहीं आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप ये फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ही लिसेंड टू मी, मी ऐसी जगह है जो ऑब्जेक्ट की जगह है, तो मी इज आल्सो अ प्रोनाउन, और मी को हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि मी जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। अब इसी जुमले को अगर आप ही लिसेंड टू मी को, आप मी को अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह प्लेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें मी लिसेंड टू ही, तो आपका जुमला बिल्कुल गलत है और उसमें टू मिस्टेक्स हैं। आपने ही को गलत रिप्लेस किया और आपने मी को गलत यूज किया। सो
मी अगर शुरू में जाता ही है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आप कहेंगे आई, मी की शेप वहां पे क्या बन जाएगी, आई, आई लिसन टू ही, तो ही भी नहीं होगा बल्कि आई लिसन टू हिम होगा। जब वो प्लेसेस चेंज करेंगे तो उनकी शेप भी चेंज होगी, उनकी टाइप भी चेंज होगी। सो दिस इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन, और उनको नॉमिनेटिव केस ऑफ द प्रोनाउन भी कहते हैं। द नेक्स्ट वन जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है वो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इसको एक्यूजेटिव केस ऑफ प्रोनाउन कहते हैं। The pronoun which is used in place of object is called object pronoun. वो pronoun जो object की जगह use होता है उसे object pronoun कहते हैं। उसी तरह की definition से बहुत simple है, इसको समझना जरूरी है। Example देखिए, she teaches me, वो मुझे पढ़ाती है। यहाँ पर teaches is the verb और जो काम करने वाली है वो she है, और जो receiver of the action है वो object है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन रिसीव करता है, वो पढ़ाती है किसको, मी, मुझे पढ़ाती है। सो मी जो है दैट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। दे टॉक्ड टू अस, यहाँ पर जो है दे जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है और अस जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि हमसे बात की जा रही है। सो वी आर द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। He scolded her. वो उसने उसको डांटा। यहाँ पर हर शो करता है that she is a female, ठीक है? कि वो गर्ल है या एक वुमन है। The boys met him. वही जो मैंने आपको कहा था he जब एंड में यूज होगा तो वो him बन जाएगा। The boys met him. लड़के उससे मिले, तो him is the is an object pronoun. We respect you. You में ये जो है वो quality है कि you is singular, you is plural, and you is the subject pronoun, and you is also the object pronoun. Subject pronoun में भी you तरह से यूज होगा और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी ये यू ही यूज होगा। आई डू नॉट नीड इट, यही जो खासियत है वो इट में भी है। अगर हम शुरू में लगाएंगे सब्जेक्ट के प्लेस में तो भी ये इट ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग, इट इज नॉट वर्किंग, मशीन के बारे में या मोबाइल के बारे में, इट इज नॉट वर्किंग, या इट वर्क्स बाय इलेक्ट्रिसिटी, या इट इज नॉट ऑफ माई चॉइस, वट एवर। अगर आप शुरू में यूज करेंगे तो इट, और अगर आप उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह इस्तेमाल करेंगे तो भी जो है ये इट होगा। आई डू नॉट नीड इट, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सो आई, इट और यू बोथ यूज एज बोथ इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। So this was all about the object pronoun. Now we'll move towards our next type of pronoun. They have possessive pronoun. Look at the word possessive. Possession से निकला है. Possession means ownership, मलकियत. एक चीज जो आपकी हो वो आपकी possession में होती है. Possessive का नाम आपने बहुत सुना होगा. हम कहते हैं कि वो कोई लड़का है या लड़की है या whatever, वो बहुत possessive है. Possessive वो बंदा होता है, पोजेसिव वो बंदा होता है जो अपनी चीजों के बारे में बहुत सेंसिटिव हो, जो अपनी पोजेशन, जो अपनी चीजें, पोजेशंस किसी और के साथ शेयर ना करता हो, उसे पोजेसिव प्रोनाउन करते हैं। अपने कपड़े, अपने जूते, या अपने फ्रेंड्स वगैरह नहीं चाहता कि किसी और के साथ वो शेयर करें, सो वो पोजेसिव होते हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन, इसमें पोजेशन की बात आती है। द प्रोनाउन विच शोज पोजेशन इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन, वो प्रोनाउन जो पोजेशन शो करता है वो पोजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हर क्लास, ये उसकी क्लास है, This is her class. तो हर, अब ये जो है बिल्कुल वो चेंज है, she, अगर हम देखते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन में है, हाँ आई टॉक टू हर, हर जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी है। इसमें कुछ ऐसे प्रोनाउन्स भी हैं जो दो टाइप्स भी यूज हो सकते हैं, जैसे हर हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, फॉर एग्जाम्पल आई टॉक टू हर, और हर हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन भी है, जैसे हर क्लास। इस तरह हिज चेयर, दिस इज हिज चेयर, ये उसकी कुर्सी है, माई रूम, दिस इज माई रूम, दिस इज योर कप, दिस इज आवर कंट्री, ये हमारा मुल्क है, दिस इज देयर जॉब, ये उनका काम है। सो दीज आर द पोजेसिव प्रोनाउन। अब ये वाले पोजेसिव प्रोनाउन के अलावा एक और भी प्रोनाउन है, वो भी पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट आप इन प्रोनाउन को देख ले। अब हर क्लास प्रोनाउन पहले है और जो पोजेशन है वो बाद में है। याद रखे, पोजेशन इज ऑलवेज अ नाउन, जो आपकी मलकियत होगी वो कोई नाउन ही होगा। सो क्लास इज अ नाउन, चेयर, रूम, कप, कंट्री, जॉब, ऑल आर नाउन्स। हर क्लास, जब प्रोनाउन पहले हो पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेशन बाद में हो, तब ये हर क्लास वाला जो है टाइप लगेगी। दूसरी टाइप भी हो सकती है कि अगर आप क्लास को पहले मेंशन करना चाहे, फॉर एग्जांपल दिस क्लास इज हर्स, ये क्लास उसकी है, दिस चेयर इज हिज, फॉर एग्जाम्पल This room is mine. If I'm talking that this is my room, तो my room, my पहले, room बाद में, possession बाद में। लेकिन अगर आप possession को पहले mention करना चाहे, so you will say this room is mine. So वो my के form जो है वो mine बन जाएगा। This cup is yours. This the purse is hers. द
द पर्स इज हर्स या द क्लास इज हर्स. यहाँ पर यूर के साथ भी एस लगेगा, हर के साथ भी एस लगेगा. दिस कंट्री इज आवर्स, आवर के साथ भी एस लगेगा. दिस क्लास इज देयर्स, देयर्स के साथ भी इसी तरह होगा. दिस बुक इज हिज. हाँ अब हिज जो है उधर भी यही तरह हिज होगा और यहाँ भी इसी तरह हिज होगा क्योंकि ऑलरेडी हम इज यू एड एस एड नहीं कर सकते. दिस ऑफिस इज हर्स, दैट्स वेरी क्लियर. सो यहाँ पे माई माइन बनेगा और बाकी सब के साथ जो है वो एस यूज होगा. सो ये दोनों सारे टाइप जो है ये पोजेसिव है. सही. द नेक्स्ट वन इज reflexive pronoun. This is quite interesting and easy to learn. When the subject and object are the same in a sentence, reflexive pronoun is used. जब किसी भी sentence में object भी A वही हो और subject भी वही हो तो हम reflexive pronoun use करते हैं. किस तरह? Doer of the action और receiver of the action same हो. कैसे? Examples. I saw myself in the mirror. मैंने खुद को mirror में देखा. So I is the subject and myself is the ऑब्जेक्ट. मैंने देखा सो आई एम द रिसीवर, सॉरी आई एम द डूअर ऑफ एन एक्शन. एंड माइसेल्फ खुद को देखा सो आई एम द रिसीवर ऑफ द एक्शन एज वेल. आई सॉ माइसेल्फ, दैट्स व्हाई हम इसमें माइसेल्फ वाली टाइप जो है सेल्फ वाली टाइप यूज करेंगे. शी प्रॉमिस्ड हरसेल्फ, सो दिस इज वेरी कॉमन. हम कहते हैं हम उससे वादा करते हैं और आई प्रॉमिस माइसेल्फ टू वर्क हार्ड, समथिंग लाइक दिस. सो शी प्रॉमिस्ड हरसेल्फ. ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ, उसने बात की और खुद से ही बातें की. लोग खुद से बातें करते हैं. ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से बात की. सो हिमसेल्फ इज एन reflexive pronoun. यहाँ पर आप ये नोट करें कि जब ये सिंगुलर है तो सेल्फ लगेगा लेकिन नीचे सेंटेंसेस में ourselves और themselves मैंने यूज किया वो प्लूरल है. जैसे our भी प्लूरल है, ज्यादा लोग हैं, them भी ज्यादा लोग हैं. जब हम उनके साथ सेल्फ लगाएंगे तो वो selves बन जाएगा, उनका भी प्लूरल बन जाएगा. और एक और बात होगी उसमें फिर स्पेस आएगा. जैसे myself is a single word, इसमें स्पेस नहीं है. herself, himself single word, इसमें स्पेस नहीं. लेकिन ourselves जब प्लूरल में होगा सेल्फ बनेगा फिर इसमें स्पेस जो है वो यूज होगा. We congratulated ourselves on our victory. हमने अपनी विक्ट्री पर खुद को कांग्रेचुलेट किया. They prepared themselves for the test, so that's very easy. They prepared themselves. उन्होंने रेडी किया और किसको? खुद को रेडी किया for the test, टेस्ट के लिए. So यहाँ पर self और selves वाली जो है ये टाइप यूज होगी और इसे हम कहते हैं reflexive pronoun. Indefinite pronoun. Indefinite is always a word जो कि unknown हो, जैसे specific ना हो, clear, जो मालूम हमें ना हो exactly. So इसे हम indefinite कहते हैं. ठीक है. अब indefinite pronoun, a pronoun that does not refer to any specific noun is called indefinite pronoun. वो pronoun जो किसी specific noun को refer नहीं करता है उसे हम indefinite pronoun कहते हैं. Examples ये clear होगा. Examples anyone, anybody, anything, anywhere, everyone. Everybody and everywhere. For example, anyone. Is anyone at home? कि घर पर कोई है. So anyone means कोई भी हो सकता है. आप पूछते हैं, आप कोई दिखता नहीं है तो आप ये पूछते हैं is anybody, is anyone at home? क्या यहाँ पर कोई है? So वो कोई भी हो सकता है. आप ये नहीं पूछते हैं कि क्या अली घर पे है, क्या सारा घर पे है, क्या मतलब कोई अंकल आंटी वो घर पे है. नहीं, anyone क्या कोई भी. So कोई डेफिनेट शख्स नहीं है बल्कि कोई स्पेसिफिक शख्स की तरफ आप इशारा नहीं कर रहे हैं, जनरल बात करते हैं. एनीथिंग, can I have anything to eat, can I have anything to write with, koi hai ki cheez hai jise main likh sakun. So anything is anything. So of course this is not specific, this is not particular. Anywhere she is gone, have you gone anywhere, kya tum kahin gayi hui ho. So anywhere koi bhi jagah ho sakti hai, koi specific nahi hai. Everyone bhi hai isi tarah. Everyone, hi, hello to everyone. ठीक है, सब को जो है मैं hello करती हूँ, सलाम करती हूँ. So everyone is for everyone, so not for a specific person. इसी तरह everybody, इसी तरह everywhere. सही. तो ये वाले जो words हैं, these are indefinite pronouns. Of course they are pronouns because they are used instead of nouns. See, noun की जगह ही इस्तेमाल होते हैं. लेकिन यहाँ पर जो है ये है, फॉर एग्जाम्पल किस तरह अगर एनी वन कहूँ इज एनी पर्सन एट होम, कोई बंदा कोई शख्स घर पे है तो वो एनी वन हम यूज करते हैं. इज एनी वन एट होम, तो पर्सन इज ए नाउन, हम उसकी जगह पर एनी वन यूज कर सकते हैं. सो ये इन सब जो है वो सारे जो वर्ड मैंने आपको बताए ये नाउन को रिप्लेस करते हैं. सो दे आर प्रोनाउंस बट दे डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउंस. और नेक्स्ट टाइप इज demonstrative pronoun. Demonstration is doing something, किसी को कुछ करके दिखा देना. तो demonstrative pronoun क्या है?
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज टू पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स। से ऐसा है फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी को पॉइंट करके पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि ये चीजें हैं, तो कोई खास स्पेसिफिक चीजों की तरफ इशारा करना पॉइंट आउट करना इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फेवरेट शर्ट, आप किसी को दिखाएं और कहें कि लुक दिस इज माई फेवरेट शर्ट, दैट इज योर कप, आपका कप वो वाला है। आई नीड टू फिक्स दीज प्रॉब्लम्स, नाउ प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सीन, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूँ कि दीज आर ये मेरे मसले हैं, ये है ये है ये है, एंड देन आई टेल यू आई नीड टू फिक्स these problems, ये वो मसले हैं जिनको मैंने fix करना है, so that's why these are called demonstrative pronouns. Next one is interrogative pronoun. Interrogative is clear, वो वाले pronoun जो question की जगह use होते हैं, जिससे आप question answer ask कर सकते हो. Interrogative pronouns are used to ask questions. Interrogative pronouns वो होते हैं जो सवाल पूछने के लिए use होते हैं. The five interrogative pronouns are, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन फाइव हैं, और ये कौन से हैं? व्हाट, व्हिच, हु, हुम एंड हुज। लुक एट एग्जांपल्स, व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, आपके फ्रेंड का नाम क्या है, ये वो प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्यों कहलाते हैं, इसलिए प्रोनाउन है कि आप इनको नाउन रिप्लेस कर सकता है। व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, फॉर एग्जाम्पल सारा इज माई फ्रेंड्स नेम, या माई फ्रेंड्स नेम इज सारा, ऑलमोस्ट रिप्लेस कर रहा है इसको। सो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसलिए है कि इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ नाउन। Sara is my friend's name. Which color do you prefer? White color I prefer. Yeah, I prefer white color, whatever, blue, black, anything. So, which? This is an interrogative pronoun. Who was driving the car? Ali was driving the car. So, that's why it's called interrogative pronoun, because it replaces a noun and it is used to ask a question. Whom do you live with? I live with my uncle or auntie or parents or something. Whose book is this? Sara's book is this. Yeah, this is Sara's book. So these are all the interrogative, five interrogative pronoun. Whose book is this means ye book kis ki hai. Okay, whom do you live with? Aap kis ke saath rehte hain? Or I hope the others are clear. So that was all about the pronoun and types of pronoun. Hopefully aapko clear hua hoga. Thank you for watching the video.